Infinix Hot 10 Play। इसकी प्राइस 7000 टू 8000 के बीच है, ऑफर में आपको 7500 के बीच मिल जाएगी। ये एक लार्ज स्क्रीन मोबाइल है, 6.82 इंचेस की आपको लार्ज स्क्रीन मिलती है, HD प्लस डिस्प्ले मिलता है। यहाँ पे आपको फुल HD डिस्प्ले नहीं दिया गया है, रेजोल्यूशन 1640x720 पिक्सल दिया गया है, LCD IPS डिस्प्ले दिया गया है विद 440 nits ब्राइटनेस के साथ, 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको मिलता है। स्क्रीन आपको लंबाई में ज़्यादा मिलता है, चौड़ाई में कम मिलता है, तो स्क्रीन काफ़ी बड़े होने के बावजूद भी आपको थोड़ी सी नैरो फील होने वाली है। XOS 7.0 वर्जन दिया गया है, आपको Android 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये आती है। प्रोसेसर की बात कर लूँ, यहाँ आपको MediaTek Helio G35 ऑक्टाकोर प्रोसेसर दिया गया है। गेमिंग के लिहाज से ये काफ़ी अंडर परफॉर्मिंग प्रोसेसर है। अगर आप हार्डकोर गेमर हैं और आप मोबाइल इसीलिए ले रहे हैं कि आप PUBG या COD खेल सकें, तो मैं कहूँगा ये मोबाइल आपके लिए परफेक्ट नहीं है, आप दूसरे ऑप्शंस को देख सकते हो। आपको एक स्क्रीन प्रोटेक्टर मिलता है बॉक्स के अंदर ही, आपको एक मोबाइल केस मिलता है, दिखने में ये क्रिस्टल लगता है पर ये प्लास्टिक की है। चार्जर की बात कर लूँ तो यहाँ पे 18 एम्पियर USB टाइप चार्जर दिया गया है, जो आज के डेट में काफी आउटडेटेड मानी जाती है। 6000 mAh बैटरी के लिए USB टाइप चार्जर मैं मानता हूँ कि काफ़ी स्लो है, यहाँ पे आपको चार्जिंग टाइम 2 to 3 hours लग सकती है। इंटरनल स्टोरेज की बात कर लूँ तो 16 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ ये आती है, इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो अप टू 256 GB। यहाँ आपको 4 GB रैम मिलता है। डुअल सिम के साथ आपको माइक्रो SD कार्ड इंस्टॉल करने की भी सुविधा दी गई है, पीछे टच सेंसर दिया गया है, आपको डुअल रियर कैमरा मिलता है, एक 13 MP और एक डेप्थ सेंसिंग के लिए, LED फ्लैश के साथ आपको AI इंडिकेटर मिलता है। आप डिज़ाइन में ना जाइए, यहाँ पे डुअल कैमरा ही मिलता है, आपको ट्रिपल कैमरा नहीं मिलता है। फ्रंट कैमरा की बात कर लूँ तो यहाँ 8 MP की फ्रंट कैमरा मिलता है, यहाँ आपको LED फ्लैश लाइट की सुविधा दी गई है फ्रंट में भी, 1.8 f/stop की अपर्चर मिलता है यहाँ पे, तो आपको पिक्चर में ब्लरिंग इफेक्ट बहुत ही अच्छी मिलने वाली है यहाँ पे। ब्लूटूथ वर्जन 5 दिया गया है यहाँ पे। सेंसर की बात कर लो तो ऑलमोस्ट सारे सेंसर दिया गया है यहाँ पे, बजट के अकॉर्डिंग कोई भी सेंसर की कटौती नहीं हुई है, तो जानते हैं किसके लिए ये मोबाइल सुटेबल है। अगर आप एक नॉर्मल यूजर्स करते हो मोबाइल का, आपको सिर्फ कैमरा से मतलब है, आप नॉर्मल कुछ सेल्फीज और फोटोग्राफ करते हो और नॉर्मल यूजर्स करते हो कैमरा की कॉलिंग मैसेजिंग वगैरह के लिए, तो ये मोबाइल आपके लिए बेस्ट है। आपको एक लो बजट में एक अच्छी मोबाइल मिलती है, एक एवरेज प्रोसेसर के साथ रैम भी आपको ठीक ठाक मिल जाता है यहाँ पे। लेकिन अगर आप एक हार्डकोर गेमर हो, आपको चाहिए एक ऐसा मोबाइल जिसमें आप PUBG खेल सको, COD खेल सको, आप मोस्ट ऑफ द टाइम PUBG पे ही रहते हो, आपको तरह तरह के गेम एक्सप्लोर करना है, तो मैं कहूँगा ये मोबाइल आपके लिए बेस्ट नहीं है, आप दूसरे ऑप्शन को ट्राई कर सकते हो। यहाँ आपको अंडर परफॉर्मिंग प्रोसेसर दिया गया है, जो आपको गेमिंग में काफ़ी फील होने वाली है, आपको फ्रेम ड्रॉप और लैगी फील होने वाली है अगर आप PUBG खेलते हो तो गेमिंग के लिए आप इसी प्राइस रेंज पे कोई दूसरा मोबाइल ले सकते हो जो स्पेशली गेमिंग के लिए दिया गया हो। आप प्रोसेसर देख लें फिर आप खरीदें। अगर कोई भी फर्दर इंफॉर्मेशन आपको चाहिए इस मोबाइल के बारे में तो आप हमें कमेंट कर सकते हो।